देखिए फर्स्ट हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, अब सेकंड क्या हमारी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूं a प्लस बी देन बी प्लस ए दैट विल ऑल्सो बी सेम। मीन्स इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ये जो कंडीशन है हमारी क्या होगी, हमेशा सेटिस्फाई होगी। अब इसको कैसे समझोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 प्लस 5 को अगर ऐड करता हूं तो मेरा क्या आएगा? 8। और अगर मैं 5 प्लस 3 को ऐड करता हूं तब भी क्या आएगा? मेरा 8। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3? देखिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जो पहले वाले को मैं बाद में लिख सकता हूँ, बाद वाले को मैं पहले लिख सकता हूँ। ऐसे क्या था यहाँ पर, पहले वाले को मैंने बाद में लिखा, बाद वाले को मैंने पहले लिखा। तो ये क्या होती है हमारी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द एडिशन। ओके, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके, थर्ड इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका कहना है इफ ए बी एंड सी, अब तक मेरे पास दो इंटीजर थे, अब मेरे पास कितने इंटीजर हैं? तीन इंटीजर्स हैं। ओके, तो अगर मेरे पास तीन इंटीजर्स हैं आर इंटीजर्स देन कौन सी कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? सो द कंडीशन इज ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी। ओके, कंडीशन इज दिस, ये कंडीशन है। इस कंडीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले मैंने ए प्लस बी को जोड़ा, उसके बाद मैंने इसमें सी को जोड़ा। ऐसे ही यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं a प्लस बी को पहले जोड़ूंगा उसके बाद c को ऐड करूंगा। ओके, यहां पे क्या करूंगा मैं b प्लस c को पहले ऐड करूंगा उसके बाद a को ऐड करूंगा। मींस तीनों को अलग अलग ऐड करना है। देखो यहां पे हम तीनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। कंडीशन क्या है, मैं a प्लस बी को पहले ऐड करूंगा उसके बाद में c को ऐड करूंगा। यहां पे मैं b प्लस c को पहले ऐड करूंगा उसके बाद में a को ऐड करूंगा। एग्जाम्पल के लिए 5 + 7 + 3। और देखो 5 + 7 + 3 3। ओके, अब देखो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी को देखिए, फर्स्ट वाली को, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय राइट हैंड साइड। ओके, तो अगर मैं 5 + 7 को पहले ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 5 + 7 कितना होता है मेरा? 12। ये कितना है? प्लस 3। ओके, यहां पे क्या है मेरा? 5 है अपनी जगह पे। 7 + 3 कितना होता है मेरा? 10। अब 12 + 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 15। और 5 + 10 को ऐड करूंगा तो मेरा क्या होगा? 15। मींस ये जो कंडीशन है मेरी, ये वाली, यहां से सेटिस्फाई हो रही है। तो इस जो प्रॉपर्टी को, जो यहां से पहले मैं a प्लस बी को ऐड करके c ऐड करूं या फिर मैं b प्लस सी को ऐड करके बाद में a में ऐड करूं, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ द एडिशन। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं। ओके, इसके बाद आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मींस ये क्या होता है, इफ मेरे पास कोई भी इंटीजर है, इफ ए इज एन इंटीजर देन, देखिए सिंपल है, इसमें कुछ भी कुछ नहीं करना है। अगर मैं ए है, अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं या फिर मैं जीरो में ए ऐड कर दूं तब भी मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा? ए ही रहेगा। मींस
ए क्या है मेरा, कोई भी एक इंटीजर है। जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब कुछ नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही सेकंड में अगर मैं किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करूंगा तो क्या रहेगा, जीरो ही वो नंबर क्या रहेगा, उतना रहेगा जितना पहले था। या फिर मैं जीरो में अगर कोई नंबर ऐड करूं तब भी मेरा क्या रहेगा, जो नंबर आया मेरे पास वो रहेगा, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती। और उन दोनों का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए। एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है मेरे पास, अगर मैं फाइव में जीरो को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फाइव में अगर मैं जीरो को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, जीरो। ओके, और अगर मैं जीरो में फाइव को ऐड करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, सॉरी, अगर मैं फाइव में जीरो को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फाइव। ओके, और अगर मैं जीरो में फाइव को ऐड करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, फाइव। तो दोनों ही केस में मुझे क्या मिलेगा, फाइव। तो इस एग्जाम्पल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाइव प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस फाइव, क्या होगा, फाइव भी करूंगा। ओके, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज एन इंटीजर देन क्या होगा, इनवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। एडिटिव मीन्स एड, मतलब उसमें हम उल्टा उसका एड करेंगे। मीन्स अगर हमारे पास कोई नंबर है तो अगर मैं उसमें उतना ही उसका उल्टा ऐड कर दूंगा तो नंबर क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। जैसे कि मेरे पास माइनस फाइव है तो उसमें मैं अगर फाइव ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। या फिर मेरे पास फाइव है उसमें से मैं फाइव माइनस कर दूंगा तो फाइव माइनस फाइव कितना हो जाएगा मेरा, जीरो। ऐसे ही अगर मेरे पास ए कोई एक इंटीजर है तो अगर मैं उसमें ऐड करना है, मुझे क्या ऐड करना है, माइनस ए, तो ये क्यों आ जाएगा मेरा, जीरो। या फिर और अगर मेरे पास माइनस ए है तो उसमें मैं क्या ऐड करूंगा, ए, तब भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो इस ये जीरो कैसे होगा, इसको ध्यान दे याद करो, ए मेरे पास क्या है, अपनी जगह पर रहेगा। माइनस और प्लस, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस ए माइनस ए। अब ए माइनस ए कितना हो गया, ए है मेरे पास, ए ही मैंने उसमें से माइनस कर दिया तो क्या बचा मेरे पास, जीरो, कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे क्या, मेरे पास माइनस ए है और माइनस ए में मैं प्लस ए ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस ए प्लस ए, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। ओके, इसके बाद आता है हमारा सबट्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सबट्रैक्शन की। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।